नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है? राजीव गांधी हत्याकांड में आखिर क्यों आया इसका जिक्र? अनुच्छेद 161 में क्या लिखा है? दरअसल 1969 हत्या के मामले में दोषियों की ओर से अनुच्छेद 161 के तहत दी गई क्षमादान की याचिका के मामले में राज्य के पास राज्यपाल को सलाह देने और सहायता करने की शक्ति है। केंद्र ने पेराडी वेलन की दया याचिका और राष्ट्रपति के पास भेजने के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया था। राजीव गांधी की हत्या में दोषी ठहराए गए एजी पेराडी वेलन को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद एक बार फिर राज्यपाल वर्सेस राज्य की बातें होने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को एक तरह से नसीहत देते हुए कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल की सलाह उनके लिए बाध्यकारी होती है। इसके बाद ही अनुच्छेद 161 की चर्चा होने लगी, जिसके तहत राज्यपाल के पास क्षमा देने की शक्ति है। इस मामले में पेराडी वेलन ने राज्यपाल के क्षमादान की अर्जी लगाई थी। आइए समझते हैं कि राज्यपाल के पास इस अनुच्छेद के तहत किस प्रकार की शक्तियां मिली हुई है और पेराडी वेलन केस में ऐसा क्या हुआ जिससे सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में 30 साल से ज्यादा जेल की सजा काट चुके एजी पेराडी वेलन को रिहा करने का आदेश दिया था। जस्टिस एएल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले के सभी 7 दोषियों की समय से पहले ही रिहाई सिफारिश संबंधित तमिलनाडु राज्य मंत्रिमंडल की सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत किसी भी मामले में माफी देने का अधिकार विशिष्ट रूप से राष्ट्रपति के पास है। पीठ ने कहा कि यह अनुच्छेद 161 को निष्प्रभावी कर देगा। दरअसल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने कहा था कि केवल राष्ट्रपति ही केंद्रीय कानून के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को माफी की सजा में बदलाव और दया संबंधी याचिकाओं पर फैसला कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की पावर से जुड़ा है। इसे समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि राज्यपाल या गवर्नर की भूमिका क्या होती है। दरअसल जिस तरह केंद्र में देश की प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार स्टेट में यानी कि राज्य का प्रमुख जो होता है उसे हम राज्यपाल कहते हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया जाता है और यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से काम करता है। अनुच्छेद 161 के तहत किसी कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति वास्तव में राज्य सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाती है। सरकार की सलाह राज्य के राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होती है। इस आर्टिकल के तहत राज्यपाल के पास दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या छूट देने या निलंबन करने, हटाने या कम करने की शक्ति दी गई है। चूंकि केंद्र में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की बात है, ऐसे में दोनों का अंतर भी समझना जरूरी है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से ज्यादा व्यापक है। इसके तहत कोर्ट मार्शल के तहत राष्ट्रपति व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 161 राज्यपाल को कोई ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मौत की सजा को लेकर है। राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं जिसमें मौत की सजा दी गई है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मौत की सजा के मामले के लिए नहीं होती है। ये थी आज की हमारी खास स्टोरी आर्टिकल 161 को लेके, जिसमें हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच का अंतर आपको समझाया। बताइएगा हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें डीएनपी इंडिया के साथ।